बारह साल की जो आपके कर्व है इसके अंदर आपने डेफिनेटली यू माइट हैव सीन लॉर्ड ऑफ अप्स एंड डाउनस पर्टिकुलरली वैन एम टॉकिंग अबाउट यू नो द एजुकेशनल सिस्टम कभी न्यूज़ मिल रही है जी हम सारा एक जैसा निज़ाम लेके आ रहे हैं तालीमी mm. निज़ाम कभी हमें सुनने को मिल रहा है नहीं जी आज मेट्रिकुलशन ऊपर चला गया कभी ओ लेवल ए लेवल ऊपर चला गया चीज़। अब चीज़। ये नई चीज़ एक आ गई है बीच में जिसको हम स्टेम एजुकेशन इस पर हम डेफिनेटली मेजर हमारी डिस्कशन इसके ऊपर ही होगी बट ये स्टेम सिस्टम के ऊपर जो अभी काफ़ी स्कूल्स ने और भी शुरू कर दिया सौ और ने जिस तरह आपने बोला कि पाइनियर थे पाकिस्तान में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अभी एक रेस में आ चुकी हुई ये सारी चीज़ें एक टाइम था कि सिर्फ मैट्रिक का बॉल वाला था फिर ओ लेवल की बात होना शुरू हो गई बच्चों ने ओ लेवल करना शुरू कर दिया फिर उसके बाद अब ये आ, स्किल बेस्ड एजुकेशन है जो स्टेम है इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई इसके पीछे बेसिस हैं हमारे पास कोई या बस जो दुनिया कर रही है बस ठीक है जी हमने भी वही उसके रट्टा लगाना है सर एक्चुअली दिस वन वेरी अनफॉर्चुनेट बट द लेटर पार्ट इज जो आपने बोला है कि जो hmm. दुनिया कर रही है हमने वो चलना है और बस हमने चलते जाना है विदाउट थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे एंड uh, ये एक बहुत हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन है बट अ वेरी ट्रू थिंग दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ चीज़ों पर जिन पे हमारी अटेंशन होनी चाहिए विनाट पिंग अटेंशन टू दोस थिंग एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इज लीस्ट मतलब पीपल आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस एरिया this is one very unfortunate metric system is here if you want to stay in pakistan <laughs> but ab, ab agar aap metric ko bhi Uh, तो आपको दुख होता है बेसिकली आई आई डिड माई मेट्रिकुलेशन बट उस वक्त ये नहीं था कि बेटे आपने ये वर्ड ऐसे ही <laughs> याद करना है <laughs> आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर मैं कोई और वर्ड यूज़ कर लूंगी इफ़ की uh, अगर मैं हैप्पी की जगह जॉयफुल लिख लूंगी mm. तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे बिकॉज द एग्ज़ामिनर इज़ गोइंग टू चेक फॉर हैप्पी वर्ड तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट हमने वो बच्चों को कर दिया है हम वो एक फैक्ट्री प्रोडक्ट जो होता है ना जो मशीन में से पास करके आखिर में सेम पैकेजिंग सेम बॉक्सेस तो हमने वो मेट्रिक सिस्टम को तो उसके लिए भी मैं अगर कहूंगी कि इफ समवन इज टू ब्लेम दैट्स अस टीचर्स uh, भी आपका uh, जो फुल एजुकेशन सेक्टर है एंड देन आई इंक्लूड पेरेंट्स एग्जैक्टली बिकॉज पेरेंट्स आर लीस्ट फॉर्ड के इस वक्त बच्चा क्या पढ़ रहा है yeah. आपके बच्चे को क्या पता है आप सिर्फ ये बता रहे हो कि अच्छा मैं फीस दे रहा हूँ तो इसका ग्रेड आना चाहिए True. अब -Levels, -Levels, yes. -Levels, -Levels ओ लेवल्स 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 ए ओ ए लेवल्स इज कॉन्सेप्ट ड्रिवन बट उधर प्रॉब्लम बच्चों के साथ पाकिस्तान में ये होता है कि मैट्रिक का एक बच्चा अगर ए ए ग्रेड भी ले रहा है ओ levels ए लेवल्स में दे आर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हुई हुई है उनसे फार बेटर टर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वैन इट कम्स टू एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज वहाँ पर वो एक्विवलेंसी की ऐसी मार्क आएँगे कि पेरेंट्स को समझ नहीं आएगी उस पता क्या हुआ है तो दिस इज़ वॉट मैटर्स एंड ओ लेवल जे लेवल्स के साथ आपको एडिशनल गिफ्ट एक मिलता है जो आपने अकेडमीज़ में इनरोल कराना है और आपने ट्यूशन्स पे करनी है अच्छा इस, इसके ऊपर भी आगे जाके हम बात करेंगे क्योंकि मुझे ये पार्ट जो है ना काफी डिस्टर्ब हुआ मैं इसकी वजह से पिछले कुछ चार छह महीने में बिकॉज मैंने अपनी बेटी के लिए सारी जब रिसर्च की exactly. तो आई गॉट टू नो के ये वाला कल्चर यहाँ पे भी शुरू हो चुका है